हाँ, उसने मना कर दिया, कोई और मूवी देखते हैं। आहा। वहाँ क्या हो रहा है? हे, मेकअप अलाउड नहीं है, तुम्हें पढ़ना नहीं आता? क्या, ये बस लिपस्टिक है? जो भी हो, क्या बकवास है। रुको, मेरे पास एक आइडिया है। हे, अपने लिपस्टिक यहाँ रखो। और ये तुम्हारा ही शेड है, तुम ये लगा सकती हो और कोई नहीं देखेगा। तुमने कैसे किया? पहले तुम गला की टिप काटेंगे, इसलिए कुछ मिनट लगेंगे। पर इस पर लिपस्टिक लगाने से पहले हम थोड़ी हॉट ग्लू लगाएंगे। अब इसे टिप पर लगा दे। मैं ट्राई करके देखूं। ऐसा लग रहा है तुमने अम्ब्रेला ही पकड़ा हुआ है। कितनी आसान ट्रिक है। और चलो अब इसे खोल ले। आज वो लड़कियां मेरे सामने से अपना मेकअप तो लेकर जाए। ये नहीं ले जा सकती। पर ये तो बस थोड़ा सा पाउडर है, तुम्हें पढ़ना नहीं आता? ठीक है, जरा उसकी ज्वेलरी को तो देखो, दिलचस्प है। मैं भी अपने मेकअप को ज्वेलरी की तरह दिखने वाला बना सकती हूँ। हॉट ग्लू से अपने कॉम्पैक्ट को सजाएं। जितना चाहे उतना लगा सकते हैं। ब्रेसलेट पर हॉट ग्लू लगाएंगे और इसके ऊपर कॉम्पैक्ट। ये तैयार है, मैं अंदर जा सकती हूँ? वो तो हम देख लेंगे, कुछ नजर तो नहीं आ रहा। खैर ठीक है, तुम जा सकती हो। थैंक्स, ये तो काम कर गया। मैं जरा अपना पसीना सुखा लूं। फिर देखा, कर दिखाया। फिर मैंने उसे बता दिया ना। रेनोजेंस कैसे स्पेल करते हैं? ठीक है, ध्यान दो, मेरे हाथ थक गए हैं। मेरा नाम क्या है? चलो भी। हाँ, क्या? ये तो टॉर्चर है, बस एक मिनट के लिए आराम करूंगी। किसने लाइट ऑन करी? रुको, क्या दिन हो गया? हाँ, मैं सो गई थी। मेरी रिफ्लेक्शन में वो चुड़ैल कौन है? मैं क्लास ऐसे नहीं जा सकती, रात भर जागना बेकार है। वो बढ़िया स्मेल क्या है? यहाँ कुछ है जो मुझे चाहिए अभी। हाँ, हे, ये तुम्हारे लिए नहीं है। क्या तुम फिर से पूरी रात जगी रही? ये ए पाने की कीमत है। मैं बस अपने खुद की बना लूंगी, शहद का एक फ्रेश जार। शायद सारी उम्मीदें अभी तक खत्म नहीं हुई। पहले आपको इंग्रेडिएंट्स को एक बॉल में मिक्स करना होगा। ग्राउंड का एक टेबलस्पून लें और थोड़ा सा हनी। हनी को चम्मच से डालें और उसे कॉफी ग्राइंड्स पर डालें और फिर थोड़ा सा पानी। कंटेंट को एक साथ मिलाएं। एक कॉटन पैड लें और उसे आधे में काटें। अब सावधानी से उन्हें बाउल में डालें। उन्हें मिक्सचर को सूखने दें। अब उन सर्कल्स को अपने डार्क सर्कल्स पर लगाएं। कैफीन पफी आइस के लिए बढ़िया है। और अब हम इंतजार करते हैं। सुंदर रहने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। और मैंने कहा, लिली मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। लिली, तुम फिर से काउंटर पर सो गई? क्या तुम्हारी आँखें? तुमने जो भी किया वो एकदम सही काम किया। हाँ, कॉफी सबसे बढ़िया चीज है। वाह, पूल के पास बैठकर एक गर्मी का दिन बिताने से अच्छा क्या हो सकता है? इसे लगाना तो लगभग भूल ही गई थी। बस
थोड़ा सा और मैं सूरज से ज्यादा चमकूंगी। कौन सी लड़की को थोड़ी चमक नहीं पसंद? ये मैं इसके बिना कहीं नहीं जाती। आह, सूरज बढ़िया है ना? वो इस ब्यूटी को देखो। अपने गेम को थोड़ी देर रोकना सही होगा। माफ करना, तुम सूरज के घर में रोक रहे हो। वो अब पता चला तुमने खेलना क्यों रोक दिया। हेलो, यहाँ एक और सुंदर लड़की है। सच में क्या मैं अचानक से इनविजिबल हो गई हूँ? मुझसे कोई बात क्यों नहीं कर रहा? ओह, मैं दिखाती हूँ तुम्हें क्या करना है। पहले तुम्हें एक बेबी ऑयल चाहिए और थोड़ा ब्रॉन्जर। एक पॉपसिकल स्टिक की मदद से मेकअप स्क्रैप करें। अब इसे ऑयल की बॉटल में डालें। देखो ये कैसे बॉटल में नीचे जा रहा है। अगला थोड़ा कॉस्मेटिक ग्लिटर लें और इसे उसके अंदर डालें। अभी वो स्पार्कल है जो हमें चाहिए। कैप को अच्छे से टाइट करके लगाएं। और अब समय है इसे शेक करने का। क्या ये शानदार नहीं है? थोड़ा सा रब करें। अब सभी तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होंगे। शेयर करने के लिए शुक्रिया। हमने तुम्हारी ड्रिंक्स वापस भर दी लिली। वो कौन है? तुमसे ज्यादा सुंदर लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। हाँ, इस चीज ने तो एक जादू की तरह काम किया। आज भी हम पेंटिंग कर रहे हैं। ये मजेदार है। मैं अलग अलग चीजों से पेंट करती हूँ। तुम ये क्या कर रहे हो? मैं तो बस टचअप कर रही हूँ। नहीं नहीं नहीं, इसे रख दो। सच में? ठीक है, जो भी हो हटा दिया। ठीक है। ये क्या बकवास है? अब वो देख भी नहीं रहे। अब मैं इसे लगा सकती हूँ। क्या परफेक्ट शेड है। नायोमी, बहुत हुआ। मैं तो ये फेंक ही रही थी सर। अब खुश हो? माफ करना। एक मिनट रुको, मैं अलग अलग चीजें इस्तेमाल कर सकती हूँ। देखते हैं यहाँ क्या कर सकते हैं। स्कूल सप्लाइज ये रहे। तो चलो। इससे थोड़ा बहुत गंद मच गया। ठीक है, मेरा स्टार पसंद आया। अब ये पूरा नहीं हुआ, बस थोड़ी सी ग्लू चाहिए। हो गया। अब ये स्टैम्प की तरह काम करेगा, पर मेरे चेहरे पर। इसे इवन बनाएंगे। हाँ हाँ, उसका पेपर खत्म हो गया है क्या? क्या, मुझे उस पर विश्वास नहीं हो रहा। कितना क्यूट है ना? वो बेवकूफ शिप हमेशा क्यों डूब जाती है? उन दोनों को साथ में होना चाहिए। मैंने सारे टिश्यूज खराब कर दिए। मेरे पास बैकअप बॉक्स है। पता नहीं मुझे इतना प्योर लव कभी मिलेगा भी या नहीं। ओह नहीं, मैंने यहाँ बहुत गंद मचा दिया है ना? मुझे बेटर सिस्टम बनाना होगा। मेरा इलास्टिक और ये दोनों बॉक्सेस साथ में, जैसे कि मैंने ट्रैश कैन बना लिया हो। तो चलो। तो मैं कहाँ थी? ओह, मुझे रोना रोका नहीं जा रहा। हाँ बिल्कुल। अपनी बेस्टी के साथ नाइट आउट से बेहतर और कुछ नहीं होता। और आज की गप्पे बहुत ही मजेदार है। लगता है तुम्हारी सारी लिपस्टिक वहाँ चली गई। हे, एक्स्ट्रा पड़ी है। उप्स। कोई बात नहीं, मेरे पास तुम्हारे लिए परफेक्ट कलर है। नहीं नहीं, मेरे पास ज्यादा बेहतर है। देखो, एक चम्मच और अपना मनपसंद लिप कलर ले। इसको थोड़ा बाहर निकालें
और काट कर स्पून पर डाल दें और अब नीचे से इसको हीट दें। इस तरह का एक कंटेनर लें और मेल्टेड कलर को इसमें डालें। अब कुछ वैसलीन डालें, थोड़ा सा बहुत होगा। मिक्स करने के बाद ये इस तरह का दिखेगा और हो गया। और अब फोन केस लें, उसे बीच में हॉट ग्लू से लगाएं और कंटेनर को ऊपर लगा दें। अब आपका मेकअप मोबाइल के साथ रहेगा और टचअप सब बहुत आसान है। अच्छा लग रहा है ना? और ग्लॉस की तरह ये कलर परफेक्ट है, हमेशा तैयारी के साथ आना चाहिए, गर्ल्स नाइट पर भी। हाँ बिल्कुल, जितना अच्छे से तुम अपना मेकअप करती हो, पूरे दिन टचअप्स करते रहना भी जरूरी है। ये पैलेट सच में बहुत भारी है, क्या मेरे ब्रशेस के लिए इसमें जगह है? मैं अपना ब्रश नहीं भूल सकती। और पानी पीते रहना जरूरी है। ये हो गया, और थोड़ी सी जगह है। सब कुछ कितना फंसा हुआ है, क्या मैं कोई बड़ा बैग इस्तेमाल कर सकती हूँ? मुझे बस एक और छोटी सी चीज डालनी है। हे, उन सभी क्यूटिप्स को देखो। लेली, क्या मैं उनमें से कुछ ले लूं? शुक्रिया, ये बढ़िया होने वाला है। एक बॉटल की मेकअप क्यों रखना, जब आप उन्हें क्यूटिप पर लगा सकते हो। इसे अपने कंसीलर में डुबोएं और जब आपको एक अच्छी मात्रा मिल जाए, ये तैयार है। बैगी टिप्स को मॉइस्ट रखेगा। इसे अच्छे से सील करना मत भूलना। अब तुम तैयार हो, ये चीज कहीं भी फिट हो सकती है, इस छोटी सी पॉकेट में भी। मैं जा रही हूँ, बाय बेटी। इसका बार का क्या, सच में? नम नम नम, तुम्हारा स्वाद बहुत अच्छा है मिस्टर वाटरमेलन। ओह, मैं थक गई हूँ। हे ब्रो। हाय, मैं खेल रहा हूँ और क्या, मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हो? नहीं नहीं नहीं, मेरे चेहरे को तो देखो, कितना बुरा लग रहा है। मेरा शीशा। तुम मॉन्स्टर लग रही हो, ये लो। ओह, देखो तुमने क्या किया, तुम ये कैसे कर सकते हो? माफ कर दो, तुमने मुझे डरा दिया था, मैं भाग रहा हूँ। सच में इतना गन मचाकर वो भाग निकला, मैं नहीं चाहती थी मेरी सुबह ऐसी हो। एक सेकंड रुको, ये तो एक एलो है, इससे मेरी स्किन प्रॉब्लम्स ठीक हो सकती है। ठीक है, पहले इस लीफ को आधा काटेंगे और अब इसके बीच का जेल निकाल देंगे। ये गया ब्लेंडर में, अब इसे ब्लेंड करेंगे। देखो कैसे मिक्स हो रहा है, और अब ये काफी फ्लफी हो गया है। जी हाँ, इतना काफी होगा। अब हम इसे एक बोल में डालेंगे। ये रहा एक मास, हम इसे मिक्सचर में डालेंगे, जल्दी से मिला देंगे और अब ये तैयार है। ये देखो, मास्क इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। अब मैं इसे चेहरे पर लगा लेती हूँ। ओह, ये बढ़िया है, इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। हाय, मैं वापस आ गया, तुम अभी भी मॉन्स्टर हो। हे भगवान, ऐसे क्या हो जाता है, अजीब लड़का। पर देखो, मेरी त्वचा फिर से मुलायम हो गई। मैं इसे इसके चेहरे पर लगा देती हूँ। भागो। कितना बढ़िया मीम है। अरे नहीं, वो डेट पर जाना चाहती है। ओ नहीं, अभी अभी मुझे अपने बाल देख लेने चाहिए। रुको, ये क्या हुआ, इन ब्लैक हेड्स को देखो, मैं ऐसे तो डेट पर नहीं जा सकता। चलो भी, पोर्स से निकल जाओ, मुझे कुछ और चाहिए होगा। नहीं, यही रुक जाओ मिस्टर, तुम इसके साथ क्या कर रहे हो? ओहो मॉम, पर मेरे चेहरे को देखो, आज मेरी डेट है। अगर तुम ये सोच रहे हो कि ये हैमर मदद करेगा तो तुम पागल हो। ये रहा एक बोल और एक आलू, पहले इसे इसमें मैश कर देंगे और अब हमें चाहिए एक आलू का लीफ। इन पोटैटोस पर हम बहुत सारा जेल डालेंगे, अब इस चिक से इसे मिक्स कर लेंगे। ये एकदम कूपी और कूवी बन गया, ये कंसिस्टेंसी ठीक है। अब ऐसे ही रहो, मैं तुम्हारे पोर्स पर लगा देती हूँ और फिर इसे ऐसे ही रखेंगे। लो, सारे ब्लैक हेड्स गए। हे, तुम डेट के लिए तैयार हो? मुझे लगता है मुझे कहीं जाना है। पर हुआ क्या है, मैंने सारे ब्लैक हेड्स हटा लिए थे।
अच्छा, अभी भी बीमार हो सोफिया? मैं यही हूँ, अगर तुम्हें जरूरत है मैं यही हूँ। बहुत बुरा है और उससे भी बुरे होंठ। ऐसा लग रहा है ये उतर रहा है, पर मुझे पता है क्या काम करेगा। क्यों? तुम्हें शहद चाहिए? और ये पता चला कि ये ड्राई लिप्स के लिए बहुत अच्छा है। बस अपनी उंगली से थोड़ा रब करें और डेड स्किन ऐसे ही निकल जाएगी। हेलो गॉर्जियस लिप्स, कितनी आसानी से हो गया। अब मेरा ग्लॉस बिल्कुल स्मूथ लगेगा। ओह, क्लब तो बहुत मजेदार था, मैं पूरी रात नाच सकती थी। पर अब फेस वॉश करने का समय है। ये अच्छा नहीं है, पर मुझे अपना फेस धोना है। मैं बस पानी इस्तेमाल करूंगी। मैं मॉन्स्टर की तरह लग रही हूँ। इन रेकून आइज़ को जाना होगा। मुझे क्या इस्तेमाल करना चाहिए? हाँ बिल्कुल, थोड़ी सी वैसलीन मेकअप को हटा देगी। बस इसे मेकअप पर रब करें। जल्दी से जल्दी मस्कारा भी हट जाएगा जब आप इसे अच्छे से रब कर लें। एक सॉफ्ट टॉवल लें और इसे साफ कर लें। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। फिर और वापस नेचुरल सा सुंदर चेहरा। पानी गर्म हो चुका है तो मैं अब सूप पी सकता हूँ। मैं सुबह से इसे पीने का इंतजार कर रहा था। इसे पीकर बहुत अच्छा लगता है। अब देखते हैं टीवी पर क्या आ रहा है। कुछ और देखते हैं। हाँ सबको, मैं आज तुम्हें अपना नया घर दिखाऊंगी, मेरे साथ आओ। तो ये मेरा पार्टी रूम है, पूरा दिन यहाँ डीजे चलता है। ओह डीजे, बहुत मजेदार होगा। हाँ टीवी फिर से खराब हो गया, चलो भी। ये रहा मेरा ऑफिस, मेरा नया पीसी और गेमिंग व्यू के साथ। हाँ बिल्कुल, मैं इसमें अच्छी हूँ। और जब मुझे आराम करना होता है तो मैं यहाँ नहाती हूँ। वाह गर्म है। और जब मुझे सोना होता है तो मैं खुद को पैसों से ढक लेती हूँ। अरे यार मुझे नहीं देखना, काश मेरी जिंदगी भी ऐसी होती। मेरे ऊपर सूप गिर गया है तो मुझे नहाना ही होगा। काश मैं भी नहाते हुए बाथ बॉम्ब से बबल्स बना पाता। इस रफ स्पॉन्ज से खुद को रगड़ना होगा। अरे यार साबुन भी नीचे गिर गया। हाँ तो मेरा साबुन कहाँ गया? वो रहा, वापस आ जाओ। मैं उन कलरफुल बाथ बॉम्ब्स को सोचने से रुक ही नहीं पा रहा। रुको जरा एक सेकंड रुको, लगता है मेरे पास एक आइडिया है। हाँ पहले एक खाली बोल लेंगे और थोड़ा बेकिंग सोडा थोड़ा इस बोल में डाल देंगे, इतना काफी होगा। अब इसमें सिट्रिक एसिड डालेंगे और अब थोड़ा कोकोनट ऑयल, ये सही रहता है। अब हम इसे इस विस्क से विस्क करेंगे। सारा पाउडर मिलता जा रहा है। ये देखो ये रहा एक बड़ा बोल और छोटे छोटे बोल्स भी। मुझे इसमें भी कलरिंग चाहिए क्योंकि मैं इन्हें सुंदर बनाना चाहता हूँ। मिक्स करना थोड़ा मुश्किल है पर मिलाते रहना होगा। अब सिलिकॉन ट्रे की बारी, अपने बड़े वाले बोल को ध्यान में रखना, इसका मोल्ड अलग है। मैं चम्मच से इस मोल्ड में भरता जाऊंगा। हाँ अब इसमें थोड़े कलर्स भी भरेंगे और व्हाइट पाउडर से इसे ढक देंगे। अच्छा है, थोड़ा सा और डालेंगे और अब इसके ऊपर इसे सेट करने के लिए एंटीसेप्टिक स्प्रे डालेंगे। ये देखो अब हम इसे मोल्ड से निकाल सकते हैं। जी हाँ, अब मैं अपना क्लाउड बाथ बॉम्ब इस्तेमाल करने के लिए तैयार हूँ और मेरा बाथ बॉम्ब बेहतर है क्योंकि मैंने खुद बनाया है। चलो इसे डालें। ओह देखो कैसे बबल्स बन रहे हैं, इसका फिज तो देखो। अरे वाह रेनबो कलर्स दिख रहे हैं, मुझे इन्हें देखकर बहुत खुशी होती है। शुक्र है मैंने अपना साबुन गिरा दिया था, कितना अच्छा दिन है। हे आनी, तुम्हें देखना चाहिए, मजेदार है ना? ओह आनी, जरा ये मीम तो देखो, मैंने अभी अपनी कॉफी भी नहीं पी। आखिरकार अब मैं यहाँ अकेली हूँ, ज्यादा जल्दी सोच लिया। बाइक पर क्या? ये बाथरूम है, बाहर निकलो। बाय। हे आनी, जरा ये देखो। ठीक है अब देख रही हूँ, कितना जबरदस्त है ना।
चलो घी मजेदार है। अगर वो प्लेन पर चढ़ जाती। हाँ? अरे यार बस वो तैयार हो। हमारी डेट आज थी पर ये कचरा। एडम ये ऐसे नहीं देख सकता, मुझे जल्दी से सफाई करनी होगी। लगभग हो ही गया, धूल हट जाएगी। क्या हो रहा है? वो शुक्र है मेरे बाल अच्छे लग रहे हैं। आ रही हूँ। हे एडम चलो आ जाओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। तो कुछ पियोगे और बातें करें? सर अब मुझे चलना होगा। ठीक है, आने के लिए शुक्रिया, फिर मिलते हैं। मजा आया। ओह बहुत मुश्किल था। चलो काउच पर चले, मैं वापस आ गई और अब खाना शुरू करते हैं। अच्छा लग रहा है। हे क्या हुआ है, तुम कहाँ हो? माफ करना माफ करना, मैं बस रास्ते में ही हूँ। ओ नहीं इन रंगों को तो देखो, मैंने सिर्फ व्हाइट पहना है, ये मुझे अंदर नहीं जाने देंगे। ओ नहीं ओप्स बहुत बुरा हुआ। रुको क्या ये तुम हो? हे मुझे देख पा रहे हो? मुझे जल्दी से जल्दी कुछ करना होगा, क्या मैं कहीं छिप सकता हूँ? क्रैश कैन में बहुत बुरा है पर मेरे पास कोई चारा नहीं। ठीक है तो चलो सीधा क्रैश कैन में। मुझे गलती लगी होगी। फिर बाल बाल बचे, उसने मुझे देख ही लिया था। बोल यहाँ सब कितना गंदा है। आओ ये क्या है? मेरा आर्ट का करियर खत्म हो गया है। हाँ यहाँ क्या है? अरे वाह ग्लिटर। ठीक है ये रही एक प्लेट, अब मुझे इस पर ग्लिटर डालना होगा। ये रेड कलर बहुत सुंदर है, मुझे बस इसकी एक लाइन बनानी है। और अब थोड़ा गोल्डन ग्लिटर इसे डालते जाएंगे। ओह तीसरे नंबर पर ग्रीन अच्छा लगेगा। और अब बाकी के भी। अब मैं इस पूरे ग्लिटर पर अपना हाथ रखता हूँ। ओह जरा ये देखो कितना स्पार्कली है और शाइनी भी। अब क्रैश कैन से निकल जाते हैं। हाँ यहाँ लगाएंगे हाथ। हाँ अब मैं मजेदार ग्लासेस पहन लेता हूँ, चलो इस पार्टी में चले। मैं वैसे ही लेट हो चुका। देव माफ करना, यहाँ आते हुए मुझे बहुत समय लग गया। तुमने मुझे यहाँ बहुत इंतजार करवाया है। हाँ पर मेरी शर्ट तो देखो, मैंने खुद बनाई है। रुको ये तुमने बनाई? अरे वाह क्या बात है। हे हम पार्टी में जाने के लिए तैयार हैं। जरा मुझे तुम्हें देखने दो। ठीक है तुम जा सकते हो। वो कहाँ है? ओ वो एडम से बात कर रही है। मैं जा रही हूँ। हाय गाइस। ओह तुम्हारी शूलेसेस खुले हैं। ओह मैंने तो ध्यान नहीं दिया, शुक्रिया। रुको मेरा सारा सामान। ये क्या हुआ? अरे यार ये क्या, बस उन्होंने वो देखा ना हो। ये मेरे दोस्त के लिए है। तो क्या हो गया? तो मतलब ही हो, मैं मदद करती हूँ, घबराओ मत। शुक्रिया चलो अब मैं इसके साथ नहीं रहूंगी। रुको हम तो बात कर रहे थे, ये क्या हुआ? बुरा नहीं है, बिल्कुल बुरा नहीं है। ओह मुझे स्ट्रेची पैंट्स पहननी चाहिए थी। ओह हाँ ओह ये तो एवा है। एनी हे मेरी पैंट्स। गह तुमसे मिलकर अच्छा लगा दोस्त। हे भगवान मुझे तुम्हें बहुत कुछ बताना है, कहाँ से शुरू करूं? मेरा पेट फंस गया है। हे भगवान जरा रुको। हेलो अभी नहीं, जो भी हो तो मैं शायद यहाँ नहीं बैठ सकती। क्या अभी? माफ करना मुझे जाना होगा। भगवान का शुक्र है। फिर मैं जानता था तुम यही हो, अब वापस बंद करना होगा। इस जगह की एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है। अच्छा फिर बताओ क्या। अरे यार बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। खैर ओह मुझे जाना होगा, फिर मिलते हैं। अब मैं अकेली हूँ। हाँ फिर
हे भगवान, मैं थक गया हूँ, पर मेरे पास अभी बहुत काम बचा है। शुक्र है यहाँ कॉफी है। ओह यार, मैं जरा एक झपकी ले लूं। ये स्कूल के लिए मेकअप करने का समय हो गया। ये रहा सारा सामान और अब यहाँ शीशा रखूंगी। हाँ, हे डैडी, उठो। वाह, मैं बहुत थक गया था। क्या आपके चेहरे पर कुछ लगा है? जरा देखो। ओह, ये क्या है? जरा मैं इसे निकालूं। ओह नहीं, मेरी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स आ गए। मैं भयानक लग रहा हूँ। खैर, ये काम आ सकता है? नहीं। ओह शायद ये। रुको, मैं जानती हूँ क्या काम आएगा। इधर आओ एलो प्लांट। मैं चाहती हूँ तुम डैडी की मदद करो। तुम्हें लगता है ये काम करेगा? हाँ बिल्कुल। पहले हमें लीफ को खोलना होगा। इसमें से जितना भी जेल होगा वो सारा ब्लेंडर में चला जाएगा। अब हमें थोड़ा पानी भी चाहिए। इतना काफी है। अब मैं लीफ निकाल लेती हूँ। अब पानी और जेल को ब्लेंड कर लेंगे। लो, अच्छा है। मुझे एक कंटेनर चाहिए। मैं इस होल से इसके अंदर डाल देती हूँ। बस इतना ही, इसे ज्यादा फिल नहीं करना। ठीक है, अब हम इसे फ्रीजर में रख देते हैं बस कुछ मिनटों के लिए, ताकि ये जम जाए। मैं आज और क्या करूं? ओह, इतना समय काफी है, अब हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आ रही हूँ डैडी। देखो मैंने आपके लिए क्या बनाया, एक एलो जेल आइसिकल। हाँ ये लो, आपको बस इसे अपनी आंखों पर रब करना है। करते रहो, रुको मत, ये काम करेगा। मैं जानती हूँ, आपने देखा, इससे डार्क सर्कल गायब हो गए। वाह, मैं इसे दूसरी आंख पर भी इस्तेमाल करूंगा। ये त्वचा पर भी बहुत ठंडा लगता है, मुझे पसंद आया। तुमने इतनी आसानी से कैसे बना लिया? तुमने आज मुझे बचा लिया किडो, मुझे चलना होगा। हे, माफ करना, मैं लेट हूँ। कैसा चल रहा है? बकवास, मैं कब से नहीं सोया, कितना भयानक लग रहा हूँ। ओह, तो तुम्हें ये ट्राई करना चाहिए, ये मेरी बेटी ने बनाया है। लो, मैं दिखाता हूँ, तुम्हें बस ये आँखों के नीचे रब करना है। अरे वाह, मुझे अच्छा लग रहा है। इसके लिए शुक्रिया, अब मैं काम कर सकता हूँ। योर वेलकम। बहुत अजीब है, इसका तो पता नहीं। हाँ, बहुत अजीब है। आ गया, उसके बाल देखो कितने प्यारे हैं, और वो भी इतने सारे। मैं ऐसे नहीं जा सकती, मैं बहुत बुरी लग रही हूँ। ये ठीक नहीं हुआ, मेरा मेकअप कहाँ है? चलो ट्रांसफॉर्मेशन शुरू करें। वो भी काफी बड़ी। अपने ब्यूटी ब्लेंडर्स तैयार रखो, हम फाउंडेशन लगाएंगे। अच्छी खासी लेयर होनी चाहिए और थोड़ा शिमर भी। आंखें बंद करो और इसके ऊपर ये ब्रश चलाओ। ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। कलर की बारी, थोड़ा सा पर्पल, इससे काफी लोग इस पर ध्यान देंगे। बस इसे अच्छे से ब्लेंड करें और थोड़ा सा नीचे की तरफ भी। हम थोड़ा और जल्दी करेंगे। जरा इस स्पार्कल को तो देखो, ये भी लगा लेते हैं। लगाते जाओ। अब मेरी आईज बिल्कुल डिस्को बॉल्स की तरह लग रही हैं। और ये कैसा रहेगा? इसे और अच्छा दिखाने के लिए आईलाइनर लगाएंगे। अब बाकी के चेहरे पर भी। फोरहेड मत भूलना। हाँ, और ब्लेंड करेंगे। हमें लाइन स्मूथ चाहिए। और चीक्स भी, लिप्स के लिए ग्लॉसी ही होंगे। और ये है फाइनल लुक। Yes, yes. कमाल है। शेरल ऐसी कब से दिखने लगी? कैसे हो? अजीब है। Hey, मेरा चेहरा, मेरी किस्मत कितनी बुरी है। क्या ये मेरे लिए है? मुझे लगा इससे तुम्हें खुशी होगी। मैं ये सह सकती हूँ। के दिन की शुरुआत बहुत अच्छी है। सेल्फी टाइम। लाइटिंग भी अच्छी है, कितना प्यारा है, सब प्यारा है, एकदम बढ़िया। देखते हैं, ये मेरे चेहरे को क्या हो गया? किसी फिल्टर से ये ठीक नहीं होगा। मैं अपना लेंस साफ कर लेती हूँ। अपने लिप्स ऐसे बनाओ और कितनी प्यारी स्माइल है।
अरे चलो भी, मैंने ये कैसे खराब कर दी, मैं ये पोस्ट नहीं कर सकती। मॉर्निंग। हे एवा, मैं तुम्हारे साथ एक सेल्फी ले लूं? मैं अभी ही उठी हूँ। एलर्जीज की वजह से। शुक्रिया। ठीक है, तुम मुझसे भी अच्छी कैसे लग रही हो, तुम तो अभी बेड से उठकर आई हो, ये गलत है। आज इसका दिन ज्यादा ही खराब है। इतनी जबरदस्त कहानी है ना? इससे मुझे कुछ याद आया। हाँ, केविन चाहता है कि हम पार्टी में जाएं। तुम्हें जाना चाहिए। काश केविन मुझे भी पार्टी में इनवाइट करता, मैं भी उसके साथ डांस करना चाहती हूँ। मैं भी आ सकती हूँ? इस तरह नहीं। ओह, मैंने मेकअप नहीं किया हुआ। मैं कुछ करती हूँ एवा, ऐसा कोई मेकअप नहीं जो मेरे पास ना हो। चलो मेकओवर करें। हाँ ठीक है, पर मेरे पास खुद का है, देखो। ये रहा मेरा ब्रश। अच्छा है ना? ये दिलचस्प है। मैं आजकल पेंसिल्स इस्तेमाल करती हूँ। कॉन्टोरिंग से चेहरा बिल्कुल बदल जाता है। शुरुआत में थोड़ा अजीब लगता है। फोरहेड हो गया। अब एक लाइटर शेड लेंगे, ये पार्ट बहुत जरूरी है। थोड़ा फेस पेंट जैसा लग रहा है ना? और अब हम इसे ब्लेंड करेंगे। देखा, ये काम किया। वाह, मैं भी ट्राई करूंगी। चीक बोन्स के नीचे है ना? थोड़ा आराम से करो। हाँ, आईज के नीचे भी। तुम हाथ बहुत तेज चला रही हो। अब ब्लेंड करना है ना? हाँ। वो। तुम्हें इस टेक्निक की और प्रैक्टिस करनी चाहिए। मैं तो अच्छी लग रही हूँ, तो चले। हाँ चलते हैं। एक और मास्टरपीस, मुझ में असली टैलेंट है। यहाँ क्या चल रहा है? हाय। हाँ, मैं आनी से मिलने आया हूँ। ठीक है, तुम्हारे पास कोई मेकअप तो नहीं है? मेरे पास नहीं, मैं नेचुरल ब्यूटी हूँ। मेरे पास बस ये पेंट सेट है। मैं वाटर कलर्स का बहुत बड़ा फैन हूँ। समझ नहीं आ रहा, हालांकि ये ड्राइंग्स थोड़ी बोरिंग है, पर इनमें कलर किया जा सकता है। मैं तुम्हें जाने दूंगा, जाओ। तुम आ ही गए। मैंने कहा था ना आऊंगा, और मैं ये लाया। हे भगवान, शुक्रिया। जरा तुम रुको और ये देखो। तो तुम्हें पसंद आया? वाह, मुझे दो। बहुत बहुत शुक्रिया। इस जेल सेल में थोड़ा ग्लैमर लाया जाए। पहले मैं इस ब्रश को पेंट में डिप करूंगी और फिर इसे अपने आईलिड्स पर लगाऊंगी। वाह, ये कितना अच्छा लग रहा है। वो, ये तो लाजवाब है। मेरा भी कर दोगी? शायद, पर इसके पैसे लगेंगे। ओह ठीक है, ये लो। हेलो मर, बहुत अच्छा दिखेगा। मुझे भी करना। ये क्यों बना लो लेडी? पहला कौन है? ठीक है, तुम खूबसूरत है। बढ़िया, चलो कुछ और ट्राई करें। आखिरकार पूरा हुआ। शायद पैसों से थोड़ी राहत आएगी। एक केक और एक कैंडल, इससे वो खुश हो जाएगी। पर मैं ये क्यों कर रहा हूँ? हाँ, एक बर्थडे केक। मैं एक विश मांगती हूँ। हैप्पी बर्थडे ब्ला ब्ला ब्ला। नहीं करना चाहिए। ठीक है, मेरा काम पूरा हुआ। क्या क्या करना पड़ता है? बकवास, इसमें पुराने दिनों जैसी बात नहीं है। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या है। अभी तक तो ठीक है, पर लगता है कुछ तो गड़बड़ है। शायद अगर मैं इसे खोलूंगा तो देखते हैं इसमें क्या है। ओह, एक टेडी बेयर। ये थोड़ा प्यारा है, पर मुझे गुस्सा आ रहा है। क्या ये मेरे लिए है? तुमने मेरा प्रेजेंट खोला? तुम कितने मतलबी हो। कितना सॉफ्ट और कड़ी है। आखिरकार मेरे पास अब एक दोस्त है। ये क्या है? ये मेरी तो नहीं है। वाह, तुम्हारी आईलैशेस तो कमाल की है। रुको,
क्या बर्थडे है। अब अच्छा लग रहा है और अब दूसरी वाली भी। कितनी अलग लग रही हूँ। ये बोरिंग है। हाँ तो तुम ये सब बंद करो। चलो चले। जो भी है चलो अंदर जाओ। काफी बढ़िया सेल है। हे रूमी। तुम तो नर्ड हो। ये क्या है बड़ी यहाँ। हे क्या हुआ। ये सब तुम्हारे हो सकते हैं अगर तुम मुझे मेरा सामान ला कर दो। इतनी सारी कैंडी। डील। तुमने अच्छा फैसला लिया। ये लो। ठीक है मुझे एक मिनट दो। ये लो। तुम्हारे साथ काम करके अच्छा लगा। मुझे इसकी जरूरत है। जलने के लिए तैयार हो जाओ। वाह ये तो परफेक्ट है। चलो मैं थोड़ी खूबसूरत दिखना शुरू हो जाऊँ। वो मुझे भी ट्राई करना चाहिए। उम्मीद है ये काफी होगा। कोशिश कर कर देखते हैं। ये तुम्हारे लिए है। वाह कितनी कंजूस है। देखते हैं यहाँ क्या है। ओह मिल गया। इसके बदले ये काफी है। बस यही। ये तो गलत बात है। बकवास। चलो कुछ तो है। इसमें तो मेरी उंगली भी नहीं जा रही। इससे मुझे एक आइडिया आया। मैं एक कैंची इस्तेमाल करूंगी। ये जरूर काम आएगा। इतना काफी है। कितना प्यारा है। ठीक है अब क्या। ये ग्लू काम आएगी। कितना प्यारा स्पॉन्ज है। मैं स्पॉन्ज को ग्लू पर लगा देती हूँ और उसे मेकअप में डिप करेंगे। इसे अच्छे से लेंगे और मैं इसे अपनी चीक पर लगाऊंगी। ये कितना अच्छा है। देखो वो तुम अच्छी लग रही हो दोस्त। है हमें अच्छे दोस्त बन जाना चाहिए। सच में। वाह बहुत फनी था। टीचर को समझ ही नहीं आया क्या करना है। ओह हे गाइस। वो हमसे बात कर रही है। जो भी हो तो वो अपने आप को बहुत खास समझते हैं। मेरे पास एक आइडिया है। क्लास के बाद मिलते हैं। बाय। पॉपुलर होना बढ़िया है। ओह हे अब वो मुझे देखेंगे। ग्यावी को मेरा नया स्टाइल पसंद आएगा। वो रही रुको उसकी पियर्सिंग भी है। मैं उनके बिना बिल्कुल अच्छे नहीं दिखूंगी। तो मैं नोज रिंग लेकर आती हूँ। तुम्हें क्या हो गया है। मुझे भी एक कोल से पियर्सिंग चाहिए। विश्वास नहीं होता मैं ये करवा रही हूँ। आराम से बैठो तुम्हें कुछ पसंद आया। ये वाली। वो वाली। सच में। ठीक है अगर तुम श्योर हो। थोड़ा दर्द होगा वैसे थोड़ा तो नहीं। मुझे डर लग रहा है। टक्कर आ रही है। मैं जानती थी हमेशा यही होता है। चलो शुरू करते हैं। बिल्कुल नहीं। दोबारा नहीं। ये चौथी है जो इस हफ्ते रोती हुई गई है। मुझे नया काम खोलना होगा। बहुत डरावना था। मेरे पास फोल्डर है। एक मिनट रुको मैं पेपर क्लिप इस्तेमाल कर सकती हूँ। मैं खुद से पियर्सिंग बना सकती हूँ। पेपर क्लिप को आधा कर लेंगे और मैं इसे अपनी नोज पर लगा लेती हूँ। ये थी पेन फ्री पियर्सिंग। जैस्मिन क्या तुम हो। हाय। हाय। तुम बहुत अच्छी लग रही हो। क्या ये नोज रिंग है। मैं कुछ अलग ट्राई करना चाहती थी। मैंने अभी अभी दो पियर्सिंग और करवाई। मुझे बहुत पसंद है। मैं रुकी नहीं पाती। ओह हे बाय। मैं और पेपर क्लिप्स ढूंढती हूँ। ये रहे मेरे ब्रशेस।
और मेरी पेंसिल्स। ठीक है, मैं तैयार हूँ, बैठो। ओह अच्छा, मैं बहुत दिल से आई हूँ, सुनकर बहुत अच्छा लगा। थोड़े से पाउडर से शुरू करते हैं। तुम बहुत अच्छी दिखने वाली हो। अब क्या, ये वाला आई शैडो का कलर तुम पर बहुत अच्छा लगेगा। हिलना मत, सीधी बैठी रहो, ये तुम पर सूट करता है। ओह हाँ, हमें मस्कारा लगाना है। ठीक है, लिप्स भी अलग से दिखने चाहिए। मुझे प्रोडक्ट बहुत पसंद है। हाँ, ये निकल नहीं रहा, पक्का इसमें था। गुस्सा आ रहा है। ओह मुझे शो बहुत पसंद है, रामन बढ़िया है। ये क्रिस मुझे बहुत हंसाता है। मेरे पास वो था। ये काम कर जाएगा, पोप के बीच में ट्यूब को फंसाएं, अब इसे पुश करें, ग्लॉसेस से बाहर आ जाएगा और ये वेस्ट भी नहीं हुआ। इसे कंटेनर में डाल लें। अब मुझे ये और नहीं चाहिए, इसे इस्तेमाल करना बहुत आसान हो गया। अब ट्यूब से इसे बार बार निकालना भी नहीं पड़ेगा और मैं इसे मेकअप ब्रश से भी लगा सकती हूँ। मैंने पहले क्यों नहीं सोचा, बहुत अच्छा लग रहा है। लगता है काम हो गया। वाह तुम्हें कैसा लगा? वाह मैं बहुत खूबसूरत लग रही हूँ, तुम बहुत टैलेंटेड हो। थैंक यू। कितना बोरिंग है। और इसीलिए इसे कॉटन कैंडी ब्रेक कहते हैं। फरवरी तक हमारी सेल्स ऐसे रहेंगी। क्या इनमें से कोई मेरी बात सुन रहा है? 10 में से 5। समझ गई। पहले व्हाइट मेकअप पेंसिल से अपने चेहरे पर इस तरह लाइन ड्रॉ करेंगे। अब सबसे ऊपर व्हाइट मेकअप करेंगे। इसमें कुछ मिनट लग जाएंगे और एक कोट से थोड़ा ज्यादा। अब नीचे की तरफ आए और ये होगा मजेदार हिस्सा। तो चलो, एक साइड पिंक और एक साइड ब्लू, नोज के पास येलो और नेक तक आते आते इसे ब्लेंड करते जाएं। बढ़िया। अब एक ब्रश पर थोड़ा व्हाइट कलर ले और प्यारे प्यारे क्लाउड्स बनाएं। अलग अलग साइज के हो सकते हैं, नेक मत भूल जाना। आखिर में लिप्स पर थोड़ा ग्लॉस लगाना अच्छा रहेगा। सुंदर लग रहा है ना? तुम्हें क्या लगा मैं इन्हें छोड़ दूंगी? वो व्हाइट कॉन्टैक्ट से इसकी लुक एकदम बदल गई। अब हम आगे बढ़े। वो जरा ये देखो, बहुत अच्छे। शुक्रिया तुमने ध्यान तो दिया, अब और ध्यान देने की जरूरत है। ले आओ, तुम्हें इसे टेस्ट जरूर करना चाहिए। कितना मीठा है। शानदार, देखो। और वो मुझसे डर गया था। ठीक है, तो मैं स्कूल जा रही हूँ, फिर मिलते हैं। रुको, अब क्या हुआ मॉम? तुम ये क्या पहन कर जा रही हो? नहीं नहीं, ये नहीं चलेगा। चलो भी, सच में इसमें क्या बुराई है, ये आम कपड़े हैं। तुमने आज का मौसम देखा है? बर्फीली हवा। देखा, तुमने मौसम के हिसाब से बिल्कुल ठीक कपड़े नहीं पहने। ये पुराने से गंदे कपड़े, सच में? ठीक है, लो मैंने ये स्वेटर पहन लिया, आप खुश हो? हाँ बिल्कुल, तुम्हारा दिन अच्छा रहे हाल। ये स्वेटर बहुत बेकार है, इसमें गर्मी लग रही है। ये तो कोई नया लड़का है, कितना क्यूट है। इसे मिलने का यही मौका है, इससे पहले कोई और आ जाए। हे, वो वाह, काफी बढ़िया लुक है। ओह शुक्रिया, स्कूल तक चलना चाहोगे? बिल्कुल। ये क्या है, तुम्हें क्या हो गया? हे भगवान, ये तो स्वेटर स्टार्टक है। ओह बहुत तेज लगी होगी, मेरे बाल भी खराब हो गए। ये सब इस बकवास स्वेटर की वजह से है, मैं यहाँ से निकलती हूँ। देखा, सब ठीक है मॉम। हाँ तुम ठीक कह रही हो, बहुत अच्छे, मजे करो। बिल्कुल, बाय। हाँ वो ये नया लड़का अभी भी यहाँ है।
वो ठीक ही होगा। अब मैं ये स्वेटर नहीं पहनूंगी, अब मैं ये स्वेटर उतार दूंगी। ये क्या है, मैं फंस गई। चलो भी निकल जाओ बकवास स्वेटर, मेरी जान छोड़ो। मैं फंस गई, अब मैं क्या करूं? ओह नहीं, आउच, मेरा चेहरा और एल्बोज भी गए। मुझे बस मेकअप टचअप करना है। मेरी आईब्रोज और अच्छी हो सकती हैं। शुक्र है मेरे पास आईब्रो पेंसिल है। नहीं, मुझे क्लास में जाना होगा, मैं लेट नहीं हो सकती। हाय, तुम कैसी हो? हे भगवान, जरा कैबी को देखो। उसे क्या हो गया है? उप्स, ध्यान से। मेरी बुक्स। कोई बात नहीं, मैं मदद करती हूँ। ये लो। भागो। ठीक है, ये बहुत अजीब था। मेरे दांतों के बीच में कुछ लगा है? नहीं। हे, सबके सब ये देखो। वो ऐसा लग रहा है तुम्हारे चेहरे पर दो कैटरपिलर्स हैं। तुम कितने बुरे हो, माफ करना, शायद मैं गलत क्लास में आ गई। शांत हो जाओ, शो खत्म हुआ। गैबी कहाँ है? तुम यहाँ हो, जल्दी आओ। मुझे माफ कर दो, तुम मानोगे नहीं क्या हुआ। काफी दिलचस्प लुक है, तुम्हें ये देखना चाहिए। अरे नहीं, इतनी बड़ी बड़ी आईब्रोज, मैं मदद करती हूँ। आईब्रो पर जिगजैग बनाओ। अब अपने आईब्रो की आउटलाइन करो। अब इसे फिल करें, इससे भरी भरी दिखेंगी। अब इसे आईब्रो ब्रश से स्मूथ कर लें और इससे टिके भी रहेंगे। लो, अब काफी बेहतर है। तुम्हें कैसा लगा? अब मैं नॉर्मल लग रही हूँ। वाह, थैंक्स। मेरी तरफ मत देखो, लगता है किसी को हमारी मदद चाहिए। ये लो। ये नोट्स लेने होंगे। ओह, क्लास खत्म हो गई। बस यहाँ देख लो, कैट्स कितनी डम होती है, लेकिन मुझे पसंद है। अब तो उसका ध्यान मुझ पर आएगा। हाँ, पढ़ाकू लड़की। पढ़ाकू? खैर, शायद उसे पढ़ाकू लोग पसंद हो। देखो मैं कितनी स्मार्ट हूँ। ये क्या है, वो मुझे बुक दिखा रही है। हाँ, मैं बुक्स नहीं पढ़ता, ये बकवास है। बुक्स बकवास है? ये नहीं चलेगा। ठीक है, तो मुझे कुछ और ट्राई करना होगा। सिंपल लैंग्वेज में, शायद ये वो समझ पाए। लो। हे भगवान, वो अंदर आ गई। नहीं नहीं नहीं, मुझे ये सबूत मिटाने होंगे। मैं कुछ भी नहीं कर रही। क्या, मुझे बहुत पसंद है। वो देखो जरा मेरे साथ कौन आकर बैठा। हे, तुम कैसी हो? उसमें ऐसा क्या है जो मेरे पास नहीं? सब लड़के उसी पर क्यों ध्यान देते हैं? एक सेकंड रुको। ओह, समझ गई। उसके बाल, पर मेरे पास उसके जैसे लंबे बाल नहीं है और मेरे पास सुंदर क्लिप्स भी नहीं है। एक सेकंड रुको, शायद मैं कुछ ट्राई कर सकती हूँ। माफ करना पेन, मुझे तुम्हें किसी कारण अलग करना होगा। हाँ, स्प्रिंग के आखिर में थोड़ी सी हॉट ग्लू लगाएंगे। अब इसके ऊपर एक बॉबल लगा देंगे। ये देखो, अभी बिल्कुल टिक गया और कहीं नहीं जाने वाला। अब मैं इसे बालों में लगा लूंगी। इस तरह अलग अलग जगहों पर और भी लगाएंगे। ये सीधा ट्विस्ट होकर लग जाते हैं एकदम आसानी से। हाँ, जैसा मैंने सोचा था, ये वैसे ही लगे हैं। ठीक है। एक्सक्यूज मी, हाय। हाँ, वो तुम तो काफी अलग लग रही हो, मुझे पसंद आया। वाह, क्या ग्लो अप है। ये क्या, उसने मेरी बटरफ्लाईज नहीं देखी? जो भी हो, मुझे तो कैट्स पसंद भी नहीं है। बढ़िया पार्टी है। ओह, वो कितना प्यारा है। मुझे तुम्हारी मूव्स पसंद आए। हे भगवान, सच में उसमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं? मुझे भी अपने बालों को लहराना चाहिए। तुम अच्छा डांस करते हो। ये काम क्यों नहीं कर रहा? बहुत गलत बात है। ये मेरी गलती नहीं है ना कि मेरे बाल लंबे नहीं है? तुम ठीक तो हो? क्या हो गया? काश मेरे बाल भी तुम्हारे जैसे होते। ऐसे? ये तो एक स्टाइल में है। मैं करती हूँ। पहले हम हेयर टाई निकाल लेंगे और थोड़ी सी ऊपर की तरफ पकड़ेंगे और यहाँ पर हम पोनी टेल बनाएंगे। अब साइड से उठाएंगे। अब असली पोनी टेल के साथ में हम इसे लगा देंगे। बस इसे टिकाए रखना है। ये लुक तुम पर जचता है।
तुम्हें कैसा लगा? अरे वाह, क्या ये मेरे बाल हैं? बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबसे अच्छी हैं। चलो डांस करें। हे, तुम वापस आ गई। वाह, आज की रात सबसे अच्छी है। अपने बाल लहराओ दोस्त। गर्ल्स, थोड़ा। हे भगवान, आइसक्रीम मेरी मन पसंद है। हाँ, मेरी भी, बहुत अच्छी लगती है। हे मेरे भगवान, क्या हुआ? तुम कहाँ देख रही हो? जरा उसे देखो, वो चल रहा है। ये क्या हुआ? ये हवा कहाँ से आ रही है? हे, मेरे बाल मेरे चेहरे पर आ रहे हैं। अरे नहीं, मेरी आइसक्रीम पर सारे बाल लग गए। और मेरे बालों में भी आइसक्रीम चली गई। बेस्टी, हाँ, मुझे माफ कर देना, तुम्हारे बाल ये मेरी भी आइसक्रीम पर आ गए। कितना गंदा है। मुझे ये वापस नहीं चाहिए, मेरा आइसक्रीम खाने का मन ही मर गया हमेशा के लिए। खैर, वो प्यारे प्यारे लड़के अभी भी वही है, पर मेरे बाल अब काबू से बाहर चले गए हैं। अब मैं क्या करूं? हे सुनो, शांत रहो, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। देखो, तरा, इससे तुम अपने बाल बिल्कुल ठीक कर सकती हो। अरे वाह, मुझे नहीं पता था तुम्हारे पास ये सब भी होता है। शुक्रिया, अब ये स्ट्रिप से मेरे लुक खराब नहीं होगी। पहले मैं इसे बालों के नीचे रखूंगी और फिर इसे ऊपर ले जाकर बांधेंगे, एकदम टाइट कर लेंगे। हम इसे खींचते रहेंगे ताकि टिप्स तक आ जाए, और जब ये नीचे आ जाए तो इसे वापस ऊपर को खींचेंगे। अब हम इसे सर पर एक बो की तरह बांध सकते हैं। इसे कसकर बांधेंगे ताकि टिका रहे और हमारे बाल भी। ये देखो, एक परफेक्ट छोटी सी बो। अब मेरे बाल उड़ेंगे भी नहीं। वो आ गया। हे, अरे वाह, वो मुझे बुला रहा है। हाय। हे ब्रो, जरा ये देखो। अरे नहीं, उसे मुझ में दिलचस्पी ही नहीं है। कोई बात नहीं, पर तुम बहुत प्यारी लग रही हो। जाने का समय है, मुझे तैयार होना चाहिए। मेरे बाल कैसे लग रहे हैं? मुझे कुछ और ट्राई करना चाहिए। जरा रुको, मुझे याद है कल रात को क्या हुआ था। आउच! जल रहा है। ओह, मैं क्यों करती रहती हूँ? तार कटी हुई है। ओह! हाँ? क्या? ये क्या हुआ? नहीं, ये ठीक नहीं है। मैं ये दोबारा इस्तेमाल नहीं करूँगी। बिना खुद को नुकसान पहुँचाए कॉल्स करने का कोई तो तरीका होगा। शायद मैं पेग्स इस्तेमाल कर सकती हूँ। ट्राई करके देखते हैं। पहले क्लोथ्स ड्रायर के ऊपर अपने बाल रखेंगे और अब इन बार्स पर इन्हें लपेटेंगे। अब पेग्स से इन्हें टिका देंगे। लो, उम्मीद है काम करे। मैं थोड़ी अजीब सी लग रही हूँ, पर ये काम जरूर आएगा। ठीक है, चलो कमाल के कर्ल्स देखें। ही, कितना फनी है। वाह, मेरे बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं। चलो चलें। वाओ! ओह, ये हेयर टॉन्ग मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ती है? बस थोड़ा हेयर स्प्रे, अपनी आंखें ढको और मास्टरपीस पूरा हुआ। तुम्हें कैसा लगा? ये अलग है। रुको, अलग मतलब अच्छा या बुरा? तुम क्या सोच रही थी? कोई बात नहीं, मैं ठीक कर सकती हूँ। सबको रोजेस पसंद होते हैं। टडा! सच में ऐसा लग रहा है मैं झाड़ियों में से निकल कर आई हूँ। पर ये तो मेरा सिग्नेचर स्टाइल है, मुझे इसका कुछ करना होगा। मैं क्या इस्तेमाल कर सकती हूँ? शायद ये ग्लास काम आए। मैं जानती हूँ क्या करना है। पहले अपने बालों को पोनीटेल में बांध लेंगे। अब हेयर बैंड को थोड़ी नीचे की तरफ लेकर आए। इन बालों को खींचकर पोनी को बीच से निकाल लेंगे। अब क्लास्प की मदद से ये टिका रहेगा। वाह, मुझे पसंद आया और ये बहुत आसान था। वो, तुमने कैसे किया? बहुत हुआ, मैं हार मानती हूँ। मैं जा रही हूँ। हाँ, अब उसे क्या हुआ है? मैंने बस क्लास भी तो लगाया है। अच्छा लग रहा है। हाँ, आखिरी बार सफाई कब की थी? बहुत बहुत शुक्रिया जूली, अब सही है। तुम्हें ये सब यही करना है? ये जगह बहुत गंदी है, मुझे इसे साफ करना होगा। सच में जूली, फेवर मैनिक्योर के लिए शुक्रिया। 100 लेयर्स शुरू होता है।
चलो शुरू करो। शुक्रिया। शायद सफाई बाद में, अभी मैनिक्योर। सबसे पहले एक कोट। ये इतना भी बुरा नहीं है। ओह ग्लिटर। हे अच्छा लग रहा है, मुझे तो अभी भी ठीक लग रहा है। इस रेड ह्यू को देखो, बढ़िया। ये काफी मेहनत का काम है। ये सूख भी रहा है। अब अगला कोट। अब ये थिक होता जा रहा है ना? हमने लगभग 50 लेयर्स लगा दी। बस ये मेरे नाखूनों को नुकसान ना पहुंचाए, पर सुंदर भी लग रहा है। हाफ वे मार्क। अब गोल्ड। फिर ये तो फंकी होता जा रहा है। ऐसे नेल्स कभी नहीं बनाए। और 100 लेयर पॉलिश ऐसे दिखती है। क्या नेल्स है जूस? इसको पास से देखते हैं। ऐसा लग रहा है यहाँ पर डिस्को पार्टी है। कूल cool.